कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे उत्तराखंड पहुंचे थे, एक बार सुन लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा था कि एकदम प्रथम चरण द्वितीय चरण उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उसके बाद आवाज आ रही है। जी कैलाश जी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव हुए थे उसके बाद एकदम सारे देश के अंदर ऐसा वातावरण खड़ा हो गया था, कुछ उसमें हमारे विरोधी दल के भी थे और कुछ मीडिया में भी कुछ लोग थे जिन्होंने एकदम एक एजेंडा बनाया था कि निपट गई भारतीय जनता पार्टी और किसान नेताओं ने विरोध किया। देखिए, इस चुनाव परिणाम से बहुत साफ हो गया कि किसानों का नेता यदि कोई इस देश के अंदर है तो मोदी जी है। लोग किसान नेताओं के नाम से पहचाने जाते हैं पर वो किसानों के नेता है क्या, ये प्रश्न चिन्ह भी हमारे सामने है। और जिस तरीके से सरकार की योजनाएं चली है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उनको समय पर खाद वितरण की बात हो, ये सब चीजें, उनका उत्पादन को सही मूल्य देना, एमएसपी समय पर बढ़ाना, ये सब किसानों का विश्वास मोदी जी के प्रति, इसलिए सारे देश के किसानों ने विशेषकर प्रभावित आंदोलन प्रभावित जो इलाका था वहां से भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये बहुत स्पष्ट हो गया कि लोग भले ही किसान नेताओं के नाम से जाने जाते हैं पर किसान नेता है या नहीं, किसानों का विश्वास देश के प्रधानमंत्री के साथ। एक बड़ा बुनियादी सवाल कैलाश जी आपका, लेकिन कैलाश जी जब आप उत्तराखंड पहुंचे थे उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आंकड़ा फंस गया बीजेपी के लिहाज से, एक बड़ा जिम्मा आपको दिया गया हो, लेकिन अब जब नतीजों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी यहां पर भी अपने दम पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। हमें विश्वास था कि हम दो तिहाई बहुमत से ज्यादा से वहां जीतेंगे, हमारे सारे जो फीडबैक थे वो यही थे। पुष्कर सिंह धामी की लेकिन सीट फंस गई है, आप उत्तराखंड में मौजूद थे पिछले 3-4 दिनों से, क्या कारण देख रहे हैं और क्या उम्मीद है कि वो फाइट बैक करेंगे, भुवन चंद कापड़ी को हरा कर एक बार फिर से शपथ लेंगे? वही दो तीन राउंड में थोड़ा सा संघर्ष है, उसके बाद फिर वो स्वीप करेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे वो, पर पहले दो तीन चरण में कुछ वोटों का समीकरण इस प्रकार का है कि वहां थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, पर आगे फिर चौथे चरण के बाद वो चुनाव जीत जाएंगे। चलिए, आपको उम्मीद है। लेकिन कैलाश, इसके अलावा हमने देखा कि पूर्वांचल में जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश जो अखिलेश यादव ने की थी वो पूरी तरह से नाकाम रही है, कई बड़े नेताओं की सीट वहां पर फंस गई है, इनके मसलन नेता प्रतिपक्ष बांसदी से जो राम गोविंद चौधरी विधायक हुआ करते थे उनकी सीट फंसी हुई है, स्वयं प्रसाद मौर्य बड़े मार्जिन के साथ पीछे हैं, जहूराबाद से ओपी राजभर बड़े मार्जिन के साथ पीछे हैं, इन जातिगत समीकरणों को बखूबी समझते भी आप हैं, क्या कारण आप देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए, 2014 के बाद से इस देश की राजनीति का एजेंडा बदला है और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है कि उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ टर्न किया है। ये चुनाव परिणाम सिर्फ विकास के नाम पर है, इसमें बहुत सारी परिवारवाद समाप्त हुआ है, जातिवाद समाप्त हुआ है, माफियावाद समाप्त हुआ है, कुल मिलाकर ये चुनाव परिणाम आने वाले देश के भविष्य के लिए एक दिशा दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जातिवाद कहीं ना कहीं देश के विकास में रोड़ा है और उसके ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचते हुए मतदान करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता ने वैसा मतदान किया है। क्या बड़ा फैक्टर देखते हैं, सरकार की जो लाभार्थी योजनाएं थी वो एक बड़ा फैक्टर है या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बड़ा मुद्दा यहां पर बन गया? डबल इंजन सरकार है, प्रदेश के काम बहुत ईमानदारी से हुए, केंद्र ने अपने काम ईमानदारी से किए हैं, केंद्र की योजनाएं गरीब व्यक्ति के घर तक पहुंची है। मैं फिर एक बार इसको दोहराना चाहता हूं कि इस देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजने 15 पैसे ही पहुंचते गरीब के पास, अब सीधा जिसके प्रधानमंत्री आवास का पैसा जिसको 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए वो सीधा उसके खाते में पहुंचता है। हमारी बहनें गरीब जनधन योजना के माध्यम से जिनका खाता था कोविड के दौरान 500 रुपए सीधे उनके खाते में पहुंच गए, कोई बीच में दलाल नहीं, कोई कुछ नहीं, बिचौलिया नहीं। तो ये एक सरकार की जो नीति और नियत साफ दिखाई देती है कि गरीब तक गरीब की अधिकार को पहुंचाना, यह सरकार उसको पहुंचाने में वो सफल रही है। ठीक है कैला जी, वरिष्ठ पत्रकार एनके सर और वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा सर भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं दोनों ही पत्रकार आपसे। कैलाश जी, ये मॉडल सक्सेसफुल रहा इसमें कोई दो राय नहीं है, गवर्नेंस का मॉडल ये सक्सेसफुल रहा, हालांकि कुछ हम लोग क्रिटिसाइज करते रहे वो एक अलग बात है, लेकिन शायद हम भी नहीं समझ पाए। लेकिन एक चीज बताइए, यही मॉडल जो यूपी में उत्तराखंड में सक्सेसफुल हो रहा है,
यही मॉडल पंजाब में क्यों नहीं अप्लाई किया और क्यों नहीं सक्सेसफुल हो गए? क्या इसका मतलब यह हुआ कि हर राज्य के लिए जो मॉडल है डिलीवरी का वो अलग अलग देंगे? मध्य प्रदेश में कुछ और होगा, छत्तीसगढ़ में कुछ और हो गया, क्या ये इस तरह का चल? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप हार चुके हैं इसी मॉडल से। आप याद करिए कि आप ही ने तारीफ की थी रमन सिंह मॉडल की, लेकिन वो वहां फेल हो गया। तो क्या ये राज्य स्पेसिफिक मॉडल्स होंगे और ये मॉडल पंजाब में नहीं अप्लाई कर रहा है जो यूपी में कर रहा है, तो क्या इसको आप फिर से देखेंगे? देखिए, हमारी जो विशेषता है हमारी पार्टी की, वो है ऑर्गेनाइजेशन, हमारी आइडियोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार होता है पहले, उसके ऊपर फिर पूरी इमारत बनती है। पंजाब में यदि आप देखेंगे तो पंजाब में हम अकाली दल के नीचे हमेशा लड़ रहे हैं। अकाली दल हमारे बड़े भाई से, हम मुश्किल से 10-20 सीटों पर लड़ पाते थे, वहां पर 25 सीटों पर अधिकार लड़ रहे हैं वहां पर हमारा संगठन का विस्तार भी वहां पर ऐसा नहीं था। पहली बार पंजाब के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर सब सीटों पर लड़ी है। अंकगणित के हिसाब से हम उतने पर्याप्त सीटें नहीं ला पाए, पर आप वोट शेयर देखेंगे हमारा तो हर विधानसभा में बहुत अच्छा है और हम एक आधार, हमारा बेस बन गया। आने वाले समय में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अच्छी इमारत खड़ी होगी। तो कुल मिलाकर संगठन को खड़ा करना, हमारी आइडियोलॉजी संगठन के माध्यम से जनता तक पहुंचाना और फिर हमारी बात जनता सुने समझे और हम उसके बाद फिर मतदान करती है। आप यदि पंजाब की बात करें, बंगाल की बात करें, बंगाल में भी हमें 2-3% 4% वोट मिलते थे, हमने संगठन का विस्तार किया, हमारे 4% से 38% वोट हुए, तो हमारी बहुत बड़ी सफलता है। तो ऐसे संगठन के आधार पर ही हम लोग, हमारी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, हमारी एक पार्टी है, एक आइडियोलॉजी के आधार पर पड़ती है, हमारे यहाँ एक कलेक्टिव लीडरशिप है, उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। तो पंजाब में आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी नहीं, अभी तो कहना जल्दबाजी होगी, हम संगठन का विस्तार करेंगे और आने वाले समय परिणाम अच्छे होंगे। उमाकांत सर बोलिए। विजय परवीस जी, मैं उमाकांत लखेड़ा हूँ, जहाँ आप बैठे हुए शायद मैं वहीं का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का मूलतः, और मैं आपके जहाँ आपका मूल निवास है इंदौर, वहां से होके आया मैं पिछले महीने, आपके इंदौर के पत्रकारों ने बुलाया था मुझे तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आपकी राजनीतिक सफलता का वहां पर मुझे काफी चीजें पता लगी कि कितने आप मेहनती हैं और कितने आप ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप उत्तराखंड में आप हैं और इससे पहले आप पश्चिम बंगाल के भी इंचार्ज थे और आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं और मंझे हुए खिलाड़ी हैं और एक बड़ा अपोजिशन बीजेपी की जो विपक्षी पार्टी थी बंगाल में ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी एक स्ट्रांग नेता थी और ठीक है कि आपकी पार्टी वहां सफल नहीं हो पाई, नाकाम रही, तो यहां जो उत्तराखंड में जो विपक्ष था, पश्चिम बंगाल में जो आपकी विपक्षी ममता बनर्जी थी और उत्तराखंड में जो आपका विपक्ष है, उसके बारे में कोई तुलनात्मक अध्ययन 2-3 दिन में किया आपने कि क्या हालत है? बिल्कुल अलग है। देखिए, बंगाल की राजनीति एकदम अलग है, वहां लाइन ऑर्डर है ही नहीं है, वहां राजनीति में हिंसा है, वहां बदली की पॉलिटिक्स है, वहां हत्या होना राजनीति में बहुत आम बात है। और उत्तराखंड तो बहुत ही इतना दिलचस्प प्रदेश है, इतना अच्छा प्रदेश है, विपक्ष भी है यहाँ पर तो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर एक संजीदा है, डेमोक्रेसी पर उनको विश्वास है, वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। वहां तो अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए तो सारे वोटिंग बूथ पे कब्जा कर लिया, उम्मीदवार के परिवार के लोग भी वोट नहीं पाए, डाल पाए, उसके वोट भी डल गए, तो वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, इसलिए दोनों की तुलना पर नहीं कर सकते। उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है, मैं बड़ा प्यार करता हूँ उत्तराखंड को, मेरे को बहुत अच्छा देवभूमि लगती है, मैं अनेक बार परिवार के साथ यहाँ आता हूँ और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ विपक्ष भी बहुत अच्छा है। ये बात सही है कि विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार चलाई, भ्रष्टाचार पनपा, उसके कारण जनता ने उनको नकार दिया, हरीश रावत अभी भी हार रहे हैं, तो जनता निर्णय करती है, सही निर्णय करती है और अच्छे लोगों को पीठ थपथपाती है। एक छोटा सा सवाल और है, 2015-16 में आपने एक बड़ा भारी ऑपरेशन वहां किया था उत्तराखंड में और राष्ट्रीय सुर्खियों में आप आए थे विजय जी, ये बताइए। और अभी भी जब आप उत्तराखंड में थे तो मुझे वहां से बड़े फोन आए कि विजय जी यहाँ आ गए, कोई बड़ा पासा पलटने वाला है, और तो ऐसा लगता है कि बीजेपी तो अपने आप ही जीत रही है, आपके लिए बड़ी भूमिका इस समय शायद वहां नहीं रह गई है। नहीं, मैं उस भूमिका के लिए आया भी नहीं, पता नहीं कांग्रेस ने इस प्रकार की बयानबाजी क्यों की और आपके पास तक ये संदेश क्यों पहुंचा, शायद ये दुष्प्रचार हो गया,
मैं तो यहाँ विजय वर्गीय जी, अब कद वो हो गया कि जहाँ पर जाते तो उस तरह की खबरें कैलकुलेटिव तौर पर आने लगती है, वो कद शायद ये बदलना भी चाहते हैं, इनको नुकसान पहुंचा रही है। उम्मीद है कि इस चुनाव से बदल जाएगा इनके सर। लेकिन कैलाश जी, जिस तरह से ममता बनर्जी का जिक्र हुआ, उत्तर प्रदेश में भी पहुंची थी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से प्रचार करने की कोशिश की गई थी अखिलेश यादव के प्रत्याशियों के पक्ष में, माहौल बनाने की कोशिश है अगर कहा जाए तीसरा मोर्चा 2024 की तैयारी के लिहाज से, कैसे देखते हैं आप इस नाकामी को? देखिए, मैंने कहा ना कि ममता जी का बंगाल में नेतृत्व, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं, यहां पर डेमोक्रेसी है, यहां जनता जागरूक है, यहां जनता समझदार है, यहां जनता वोट डालने जाती है, वोट उनका कास्ट होता है, बंगाल में तो वोट कास्ट नहीं होता, कुछ लोग हैं जो पोलिंग बूथ पे जाके खड़े हो जाते हैं, वोट डाल देते, इसलिए उनका प्रभाव यहां पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि ममता जी गई तो लोगों ने प्रदर्शन भी किया, अब आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के लोग नहीं थे वहां पर, आम जनता, देखिए बिहार का और उत्तर प्रदेश का, बंगाल में बहुत लोग रहते हैं, और इसलिए हमें ममता जी के यहाँ आने से हमको ही फायदा हुआ, हमारा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहां जिस तरीके शासन चलता है बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, तो उन्होंने उनको काले झंडे भी दिखाए और उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आने वाली जो 2024 में विपक्ष संयुक्त होकर लड़ सकता है, आप खुद समझते हैं कि विपक्ष की क्या हालत है, बिल्कुल कैसे संयुक्त होगा, ये बात अलग है। कैलाश जी, इसके अलावा जो बड़ा फैक्टर दिखता है 2022 का ये चुनाव, पांच राज्यों में जिनमें चार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही, फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव होगा, फिर 23 में आपके राज्य में भी चुनाव होने वाला है, हालांकि अब एक राज्य तक तो सीमित नहीं आप, लेकिन फिर भी आपका राज्य मध्यप्रदेश तो है ही, उस लिहाज से किसे कितना देखते हैं, क्योंकि 23 के बाद फिर 24 की बारी आएगी, लोकसभा चुनाव का वक्त आ जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इस विधानसभा चुनाव में भी दोनों राज्यों में वोट पड़े हैं, क्योंकि विधायकों की नाराजगी एक तरफ थी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, योगी आदित्यनाथ का चेहरा एक तरफ था। देखिए, मोदी जी आज इस देश के नेता नहीं, दुनिया के नेता है, मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि अभी अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध विराम करके दोनों देश से राष्ट्रपति से बात करके अपने लोगों को निकाल के लाना, दुनिया के अंदर कोई एक नेता है जो दोनों देश के राष्ट्रपति से बात करके युद्ध विराम करके अपने लोगों को निकाल के लाए, ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। तो मोदी जी एक बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी हुई हमारे देश के लिए, नहीं दुनिया के लिए। मुझे नहीं लगता है कि 2024 में मोदी जी के बराबर कोई नेता खड़ा हो और वो लोकसभा में मोदी जी के को चुनौती दे सके, अभी तो मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, आगे फिर ईश्वर की इच्छा क्या हो जाए, कल के बारे में कुछ कह नहीं सकते, पर अभी तो मोदी मोदी और सिर्फ मोदी है इस देश के। उत्तराखंड में आप मौजूद हैं, लेकिन उत्तराखंड के जो लोग हैं, पत्रकारों की भी बड़ी शिकायत रही कि आपने 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिया, इस बार ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी कैलाश जी? पत्रकारों की शिकायत है, जनता की कोई शिकायत नहीं, जनता की शिकायत होती तो हमें बहुमत ही नहीं देती, पत्रकारों की शिकायत हो सकती है। चलिए ठीक है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, इसके अलावा जो बड़ा सवाल उठता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या उस तरह से कद उत्तराखंड में भी बीजेपी नेताओं का हम देख पाएंगे? आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन कौशिक, उनकी सीट पर भी जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता घटता देखा गया, एक कड़ी टक्कर, जबकि 4 बार के विधायक रहे हैं, एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। अब इसके बारे में तो इंडिविजुअल्स के बारे में तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर नेता बहुत अच्छे हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छी जनता है, अच्छे कार्यकर्ता हैं, और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जैसे लोग चाहते हैं वैसे नेता हैं। किसी राज्य में आपकी जरूरत इस विधानसभा चुनाव में पड़ने की उम्मीद आपको? समझा नहीं, क्या बोला आपने? मैंने कहा कि जिस तरह से आपकी उम्मीद की जाती है, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय की एक शख्सियत देश की सियासत में बन गई, उस तरह से इस विधानसभा चुनाव में कहीं उम्मीद आपकी? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जहाँ भेज देती है वहां चला जाता हूँ, और कुछ कमियां होती तो उसको दूर कर देता हूँ, तो मैं कोई ऐसा बड़ा शख्सियत नहीं हूँ, बड़ा नेता नहीं हूँ, बड़ा रणनीतिकार नहीं हूँ, जैसे हमारा भूपेन्द्र नड्डा जी ने कहा कि वहां चले जाओ, गृहमंत्री जी ने कहा वहां चले जाओ, तो मैं आ गया और यहाँ के काम में लग गया, तो मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप लोग जरूरत से मुझे बड़ा बना रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ ऐसे मुद्दे थे कैलाश जी जिसका असर जमीन पर देखा गया, मसलन जो आवारा पशु का मुद्दा था, प्रधानमंत्री ने उसको लेकर बात कही कि इस पर सरकार और कोशिश करेगी, विधायकों की कोशिशों पर सवाल उठा, मुख्यमंत्री से लोग खुश थे, प्रधानमंत्री से खुश थे जैसा मैंने जिक्र किया, लेकिन कुछ विधायक और कुछ मंत्रियों को लेकर भी ऐसी नाराजगी थी, आगे इसको टैकल करने की कैसे आप लोग रणनीति बना रहे हैं? जैसे कई मंत्री भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, आपके डिप्टी सीएम की भी सीट उत्तर प्रदेश में फंसी हुई है अभी तक।
देखिए हम हर चुनाव के बाद समीक्षा भी करते हैं और हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम जीत गए तो हम बिल्कुल सारी इस बातें हमारी ठीक है, यदि कुछ कमियां हो तो उसको ठीक भी करते हैं। जब भी तो हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, तो हम चुनाव के बाद समीक्षा करेंगे और जहां हमारी कमी होगी उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कैला जी वक्त खत्म हो रहा है, मेरी गुजारिश है गुस्ताखी के साथ अगर दो लाइन आप गुनगुना दीजिए बीजेपी की जीत पर तो माहौल और अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन मैं आपको देता हूँ गुस्ताखी के साथ ही गुजारिश। चलिए बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आपने बहुत शुक्रिया कैलाश जी वक्त निकाला, न्यूज स्टेट के दर्शकों से आप मुखातिब हुए अलग अलग मुद्दों को लेकर। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर है यूपी में बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है, 270 के पार आंकड़ा बीजेपी का, यूपी में बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई, 325 के करीब सीटें बीजेपी जहां लीड कर रही है।